आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा की। हेयर हमारे अपीयरेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसे हम अपनी क्राउन ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। हम अपने हेयर केयर के लिए और स्टाइलिंग के लिए कितने एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन एलोपेशिया एरियाटा एक इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें इन सभी प्रयासों पर पानी फिर जाता है। इसमें हेयर का ड्रास्टिक लॉस होता है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी अपने ही हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के। ये बॉडी में किसी भी जगह पर हो सकता है, आपकी दाढ़ी वाले स्थान पर, आपके हाथों पे, पैरों पे या बालों पे, और ये एक पैचेस के जैसे गंजापन उस जगह से सीवियर हेयर लॉस होने लगता है। एलोपेशिया की काफ़ी सारी वजह हो सकती है जिसमें से अनहेल्दी फूड चॉइसेस, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस या जेनेटिक हेरिडिटी भी इसकी एक वजह हो सकती है। एलोपेशिया चूंकि हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, इसमें डाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो कि एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, प्रोबायोटिक, जिंक, बायोटिन और गुड क्वालिटी फैट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करे, इसलिए इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन का भी इंक्लूजन होना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना, मेडिटेशन करना, स्ट्रेस फ्री रहना और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो 5 चीज़ें हैं जो आपको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहला, जैसे कि हमने बात की कि हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली, हेल्दी फैट्स होने चाहिए जो कि वॉलनट, फ्लैक्सीड, फिश ऑयल, इन सभी में ओमेगा 3 होता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट होनी चाहिए जो कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स में अच्छी मात्रा में होते हैं। बायोटिन हमारी डाइट में होना चाहिए जो कि कैरेट, नट्स, टमेटोज, लेटस, इन सभी में होता है। इसके अलावा जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेयर ग्रोथ में, जो कि एवोकाडो, बीन्स, कैश्यूज में होता है। तो अगर आप भी एलोपेशिया एरियाटा की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट असेसमेंट ज़रूर कराएं, साथ ही इसमें लाइफस्टाइल बदलाव से अच्छी काउंसलिंग का फ़ायदा भी ज़रूर लें।